अठ दे बाद जिथे की काफी हंगामा हो रहा है गोरे भाजी नू भरोसे योग सूत्रां द्वारा ए इन्फॉर्मेशन आई सी ओदे नाल जो कि यह काफी देर तो पिछे लगे मुखबर बजरंग दल तो सारा ही संगठन इतने हिंदू संगठन सारे इतने ने और यह जरा काम किसी एक संगठन का नहीं ये सारे संगठन असि इकट्ठे हाँ हिंदू है कोई भी है साडा सानू पुलिस ने पूरा योगदान दिता गोरा भाजी अस तीन चार बंदे जेरे आ खड़े है और इंस्पैक्टर साहब ने गड्डी अगे ला के अपने सारा थाना बुला के कोई ऐसा दी अनसखावी घटना नहीं होंगी। गोरा भाई नू इन्फॉर्मेशन आई सी जो कि बंदे पानीपत तो लगे सी मगर राह चो कहंदे ने कि साडी चैकिंग हुई आ चैकिंग पता नहीं की हुई आ ओदे बाद में गड्डियां पिछे ला गए पठानकोट चौक दे विच रश देखिया जदों उत्थे उहनां कोल ट्रक नहीं लग्गिया ओदे करके उत्थे काफी हंगामा हुंदा सी मौके दे सामने अपने उत्थों पहुंचे अपने ऑफिस तो एक भावे ट्रक होवे ते भावे एक ऑटो होवे भावे एक किलो होवे शेयर करो ताकि जेड़ा बाकी भी जेड़े हिंदू के जागरण जेड़ा तीन और जेड़ा अध्यक्ष आगे ने ए तुम सारी गल हां जी दसो सर सर की नाम है मामला की है ये साडे बजरंग दल दे युवा कार्यकर्ता उन्होंने पिछो सूचना आई सी कि पिछो ट्रक आ रहा है पानीपत तो उन्होंने बड़ी मुस्तैदी दे नाल इस ट्रक दी पीछा करदे हुए ट्रक नु फड़िया है और जिदे भी थोड़े सामने है मैं बाकी हुणे आया आपां देखदे आं हुणे की है बाकी कार्रवाई देख के तुहानू दस्सदा सारी की कार्रवाई है। सर केड़े एरिया दे विच फड़िया गया जी ये पठानकोट चौक जी। अच्छा जी सर इना कोई ट्रैप वगैरह लाया गया सीगा बजरंग दल दी टीम अपनी ट्रैप लाया बजरंग दल भाई बजरंग दल दी साडी टीम पूरी टीम ने ट्रक फड़ा गौ मासा गौ मास चर्बी जी ट्रक च भरी हुई तीन जन जो जो हिंदू संगठन थी उन्होंने वालों तीन बंदे जो फड़े ट्रक फड़िया गया और जो थाना डिवीजन अठ च ला के आ गया हूं ट्रैप लगा के फड़िया गया काफी दूर तक ट्रैप लगाया गया उसके बाद पठानकोट चौक चो Oh, my God.
पेटिया जो गऊ मास भर के लैके जाया जा रहा है। देख सकते मौके से भारी हंगामा जो हो रहा ठान ठूक अड्डे बाहर गोरे जी ट्रक जागते रहा श्रीनगर कितो पता लगे कुछ पानीपत तो ट्रैप कितो लगा सी ट्रैप कितो लगा टोल तो मुंडे अपने खड़े किए टोल तो जो निकले ट्रक ही फोन आ गया मुंडे का निकल गया ट्रक अच्छा तुम लुधियाने तो मगर आ रही लुधियाने जगराओं वो सारे दोनों सारे टोलों के खड़े किए कि घूम के ना आए अभी दोनों टोलों के बंदे खड़े दोनों टोलों के अभी दोनों टोलों के बंदे खड़े किए ओके सो दस दिए कि गऊ मास का जरा ट्रक सी पानीपत तो चल के आ रहे थे और श्रीनगर जाना सी हिंदू संगठन तुम देख सकते हो कि खड़े हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं देख सकते हो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं इस टाइम माल कह रहे उतार के आया गौ मास उतार पता लगे देख सकते मौके से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि ट्रक फड़िया गऊ मास और श्रीनगर जाना थी पानीपत तो चल के ट्रक इन्हें श्रीनगर जाना थी और इन्हें पठानकोट चौंक जरा फड़ लिता गया तो उस तो बाद ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ
बलैरो गड्डी तो साढ़े तक फायर हुई असि लाइव भी हो फेसबुक से आने आगे कंप्लेन भी की पर एक कोई कंप्लेन नहीं पहले भी ट्रक फड़िया फिर गाँव को ट्रक पिछले खड़ा भी बनाया ट्रक तीन व्यक्ति थी जिन्हों वालों गौ मार पानीपत तो लैके चलिया और श्रीनगर लैके जा रहा था और पठानकोट चौक से फड़ लिया गया कि मौके देखते जो कि जो हिंदू संगठन है काफ़ी उन्होंने रोष है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं इतने तो ट्रक के अंदर तीन जो कि व्यक्ति दसे जा रहे हैं और पुलिस उन्होंने 8 नंबर थाने लैके आई है तो वध तो वध वीडियो शेयर करो तो दसती है कि गौ मास लैके आ रहा था पानीपत तो ट्रक और श्रीनगर लैके जा रहा था पठानकोट चौक की हिंदू संगठन वालों ट्रक फड़ लिता गया तो मौके तुम देख सकते काफी इकट्ठे हिंदू संगठन से सारे इकट्ठे हुए ने पहला भी कुछ एक कुछ महीने पहला पहल जरा कि फैक्ट्री फटी थी जिते गौ मास कटिया जाता वो भी पठानकोट चौंक तो थोड़ा अगे जाके अज जरा कि पठानकोट चौंक जरा कि ट्रक फड़ लिता गया जरा कि श्रीनगर जा रहा था पानीपत तो हिंदू संगठन वालों इन ट्रैप लगा के पठानकोट चौंक च फड़ लिता गया ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਧੀਆ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जा रही है जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं थाना डिवीजन नंबर 8 के बाद तस्वीरें साझा कर रहे हैं जिसे कि एक ट्रक फड़िया गौ मास ने फड़िया हुआ पानीपत तो चल के श्रीनगर जा रहा है ट्रक ट्रक का नंबर भी दस दिए JK01V4301 ट्रक नंबर है जिंदे च गौ मास लैके जाया जा रहा है श्रीनगर च तो यह ट्रक है देख सकते हो कि थाना डिवीजन नंबर 8 के बाहर जो हिंदू संगठन सारे इकट्ठे हुए ने और तो
श्रीनगर जा रहा थी ट्रक और इन्हू पठानकोट चौंक हिंदू संगठन वालों रोक लिता गया और इन्हू थाना डिवीजन 8 च हुण लैके आया गया। तुसीं देख सकदे हो मौके ते भारी हंगामा जिहड़ा हो रहा थाना डिवीजन 8 दे बाहर। पिछले महीने दोबारा यही ट्रक निकलिया सीगा उदो फायरिंग हुई उदो लेके चले गए ट्रक की पूरी चेकिंग कराई जाए हथियार निकलन गए गौ माता दे नाल नाल गौ माता दे नाल नाल इन्हां दी एक दो कारा पहला आईया बिना नंबर प्लेट भाजी तुसी दसो एजेंसी जो गड्डी नहीं निकलती बिना नंबर प्लेट तुहानू की लगदा ते नजायज हथियार होणगे अंदर गड्डी बिल्कुल भाजी होणगे पिछली वारी फायरिंग हुई है पंजाब दी बोतलां सुटियां गईयां पिछली वारी भाजी फायरिंग नहीं हुई भाजी पंजाब दी बोतलां सुटियां गईयां गोलियां भी चलाईया गया हो सकता इन्हों को नजायज हथियार भी हो जो इन्हों का कहना है हिंदू संगठन का देख सकते काफी हंगामा जो हो रहा 8 नंबर थाने के बाहर गोलियां भी चलाईया सी जो जिहड़े खराब हो रहा है हिंदू संगठन से पहुंच गए हैं बहुत देख सकते काफी तनावपूर्ण हो गया इस टाइम हिंदू संगठन गुस्से च है इस टाइम क्योंकि जेड़ा ट्रक भरिया गौ मास के नाल श्रीनगर लेके जा रहा सीगा काफी हंगामा हो रहा ड्राइवर जरा कि नजायज काम कर रहा है जेड़ा काम गैर कानूनी काम कर रहा है लेकिन पुलिस वालों ट्रक तो बाहर नहीं कढ़िया जा रहा और
देख सकते हो इतने भगवान श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, मौके से काफी हंगामा हो रहा। दस दी है कि थाना डिवीजन नंबर 8 के बाहर ये सारा हंगामा हो रहा, पर कोई भी अजय मौके से कोई वड्डा अफसर थाने के बाहर नहीं पहुंचा अजे तक, और हिंदू संगठन काफी रोष च है इस टाइम। और ड्राइवर भाई बंद बाहर नहीं कटिया जा रहा, पूरा एक ग्रोह हैगा, पूरी गड्डिया अगे पिछे इन्हों के मुसलमान बंदे सके बिना नंबर प्लेटा तो गड्डिया असी आप गड्डिया देखिया स्विफ्ट कर जिस मुसलमान बंदे सके पूरी रैकी कर रहे थे गड्डी की, दो गड्डिया ट्रक के अगे दो गड्डिया पिछे साडे को थोटी होगी असं गड्डिया फड़िए भज गए उन्होंने सानू प्रोपर देख के पूछा भाजी कितने जाना, किसी का कोई मतलब नहीं भाई तुम मैं नहीं जानते मैं पूछ नहीं सकते कितने जाना जिथे नहीं, पठानकोट बाईपास भाजी रुक के उन्होंने सारे बंदे नु देखिया रैकी की गड्डी की, उस तों बाद भाजी ट्रक नु सारी इनफॉर्मेशन पहुंचती रही इत्थे बंदे खड़े है इत्थे मगर लगे है, उस तों बाद भाजी तीन जगह चलान कटे पिछे कांड करके आए है, टेंपो ड्राइवर उठा के आए है भाजी पिछे कांड करके आए पिछे एक्सीडेंट करके आए भाजी, क्यों नहीं पुलिस कर रही कोई चेकिंग नहीं की गई उस टाइम जगह उन्होंने मगर लगा सी इन्हां दे भाजी एक मिनट चेकिंग भी हुई है गड्डी की भाजी एक मिनट, अगर गड्डी की चेकिंग हुई है ना जिथे चेकिंग हुई उत्थे भी एक्शन किया जाए कि उत्थे उन्होंने केड़ी किस चीज की चेकिंग की है भाजी, ट्रांसपोर्ट का काम है थां थां ते अजकल नाके लगे है कितने बिना चेकिंग तो गड्डी नहीं निकल सकती भाजी, रोकने वाले होंगे ना तो पिछे रोक सकते थे भाजी, ये ना पूरा गिरोह हैगा उपर तो लैके थले तक बंदे मिले हुए हैं भाजी, अभी आम बंदे हैं भाजी, पानीपत तो मुंडे साढ़े पिछे लगे हुए हैं, पानीपत तो पिछे लगे हुए हैं जी बिल्कुल भाजी, पिछे किए हुए रस्ते से तीन जगह भाजी कांड किए हैं, रस्ते एक जगह चेकिंग हुई है भाजी, चेकिंग की नहीं पता लगा, अगर गाँव मासा भाजी वो भी देख सकते थे, चेकिंग नाम मात्र की गई नाम मात्र चेकिंग की है, अगर सही चेकिंग की जगह होंगी उत्थे भाजी परचा हो जाता उत्थे ट्रक फड़िया जा चुका होंगे भाजी, अगर ये पुलिस के ऊपर डिपेंड है, अगर पुलिस पूरी कार्रवाई करे भाजी ऊपर तक गिरोह ऊपर तक नाम जेडे वड्डे वड्डे भी है सारे का पता लगेगा भाजी, ये सिर्फ पुलिस की सपोर्ट चाहिए है, अज सानू अथॉरिटी दे देना भाजी, सानू दो दिन चाहिए है, दो दिन च भाजी सारे का गिरोह खत्म कर दिए तुसी तां कहियो, तो देख सकते हो कि घटना का काफी रोष है, हाथ जोड़ के बेनती है थोड़ा साइड जो बंदे ला लेंगे थोड़े नाल थोड़े बंदे जोश होर आई जाना, दो मिनट रोक लो मेरी गल सुन लो गोरे, गल बंदे उतरन गए डेटा कमिश्नर से बंदे उतरने नहीं भाजी नहीं उतारने ਡਾਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ देख सकते हो मौके से काफी हंगामा हो रहा है, हिंदू संगठन वाला कहा जाए कि पुलिस कमिश्नर मौके पे पहुंचेगा तो कदे ही जो बंदे उतारे जाएंगे, क्योंकि मौके से कोई भी मुख्य अधिकारी नहीं पहुंचे अभी तक, काफी हंगामा हो रहा है, हिंदू संगठन से इकट्ठे हुए ने वीडियो वो तो शेयर करो, तुम दस दिए कि जरा गौ मास जरा गैर कानूनी है इंडिया गौ मास जरा पानीपत तो श्रीनगर लेके जाया जा रहा था, और मौके से हिंदू संगठन ने पठानकोट चौक च इन्हू फड़ लिता, और इन्हें दसिया जा रहा कि दो व्यक्ति है ट्रक च, और हिंदू संगठन ने यह भी दसिया जा रहा कि इन्हों के अगे पिछे भी कारा सी ਮਾਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਉਂ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੱਦਲੋ ਹਾਂ।
कोई इन्हां दे अंदर डर भी नहीं लग रहा, बिल्कुल बेखौफ होके ट्रक दे अंदर बैठे है। देश का बल, देश का बल, देश का बल, बजरंग दल, देश का बल, बजरंग दल, गोरे भाई 5 मिनट दे मानू, 5 मिनट दियो, बोलो बोलो, कर 5 मिनट दे, पूछ ले के लिए नहीं लगी, और असली आ रहा है, 1 मिनट, गोरे गाता करो, गा समझ नहीं आंदी मेरे का, बाबा सारे एक मिशन जी आए ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये पुल सामने वाले लेके जाएगी, जब चुप है, नहीं होए नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे बेटा, का अपने केड़ा, हां हो जाओगे पीछे, आओ चलो, गोरे अली थापर जी, थापर जी बाहर क्यों नहीं कट रहे बंदे, तब्दील हो गया, मारो मारो भाई मुझे मार दो, पुलिस वाले क्या जा रहे, गोली मार दी जाएगी, गोली मारन की गल की जा रही है, बुलडोजर चलने चाहिए, सामने योगी राज चाहिए, योगी बाबा आ गया ना, सारे सूत हो गए, पंजाब नहीं बन सकते, योगी राज चाहिए, बीजेपी दे 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 जी, पाकिस्तान दा ले, जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र बनेगा, जय श्री राम। अज भाजी अज नौजवान मुंडे क्यों अगे हो रहे हैं भाजी, सारे कच्चे घरे ना सुते पे है भाजी, 11 बज गए है भाजी, सब दा परिवार है भाजी, नशे आ गया जा पूरा भाजी, मर गया भाजी, नशे आ गया भाजी, बाहर जा रहे हैं भाजी, तुसी बीजेपी दी राज दी गल कीती है, अज बीजेपी 3 स्टेटा दे विच विन होई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश ते छत्तीसगढ़, किवें देखदे हो पंजाब दे माहौल नूं लै के ते ओनूं लै के किवें देखदे हो भाजी, जे मोदी साहब इत्थे आउंगे भाजी, तई इन्हां दा कुछ इन्हां दा सुधार होणा है, भाई तन्नी सुधरना सिद्धी जी, जय श्री राम, अज दे टाइम च इत्थे असीं माहौल नहीं ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਣਗੇਲੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਆ ਟਰੱਕ ਜਿੰਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਚਲਾਣ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਰਾ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਰੋਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਚੈਕਿੰਗ ਲਗਾਓ, ਇਹਦਾ ਚਲਾਣ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਵਾਲਾ 5 ਚਲਾਣ ਜੋ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਦਾ ਚਲਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਣ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਹੋਏ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਬੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ, ਭਾਜੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਾਸ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, 2-2 3-3 ਗੱਡੀਆਂ ਰੈਕੀ ਗਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਬੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਲੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਫ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਪਏ ਆ, ਤੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਤਿੰਨ ਖਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਣ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਖੜੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਿੰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇਗੇ ਭਾਈ, ਧੋਗੜੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ,
जो कारवाई होंगी है उपरों दब दिता जाते हैं फिर मामला ठंडा कर दिता जाता जो तक योगी सरकार इतने नहीं आऊगी योगी सरकार बुलडोजर नहीं चलाऊगी उदो कोई हल नहीं किया जाना भैया तो सख्त तो सख्त कारवाई की जाए साढ़े वालों ही अपील है हाथ जोड़ के अपील है अज नौजवान सारे इतने है सब का परिवार हैगा अपना परिवार छड़ के आप इतने हैं अपने रिस्क लैके इतने तक पहुंचे हैं ठीक है उस तो बाद भी अगर अभी कार्रवाई नहीं करते बिल्कुल जी तस्वीर लैके ट्रक पानीपत तो लैके श्रीनगर जा रहा था और पठानकोट चौक पहुंच गया एसीपी नॉर्थ भी मौके से पहुंच गए ने लोग जाके मत्था टेकते हैं पर इतने कुछ उल्टी जेड़ा कुछ हो रहा पंजाब के माहौल पिछले दिनों मेनका गांधी का बयान भी आया सी कि दुध देने वाली गावें रख लेंगे बाकी गऊं कितने जा रही है जी बछड़े कितने जा रहे हैं इसका जिंदा जागता सबूत है तुहाडे सामने ट्रक फड़िया गया सूत्रों के वालों दसा जा रहा है कि नंबर प्लेटा भी जाली ने ट्रक दी पांच चलान भी हो चुके ने फिर भी पंजाब वाली हुई ना एक ट्रक है कल तीन चार आने फिर भी पंजाब भारतीय जनता पार्टी के योगेश मल्होत्रा ही पहुंच चुके ने गौशाला दे विच भी सेवा करते ने दस दिए लंबे बाजार बस्ती गोया दे विच सेवा करते राउंड अप किन्ने बंदे किते हले तक जो ट्रक च ड्राइवर सी राउंड अप मैं वेरीफाई करा मैं स्पॉट गिव मी सम टाइम मैं दस दूंगा सारा कुछ मीडिया पूरा ब्रीफ किया जाऊगा पहला सानू इन्हां दी कंप्लेंट भी लै लेंगे ठीक है देख सकते प्रशासन और हिंदू संगठन काफी जरा की रोश विच लग रहा है इस टाइम और काफी जरा की हंगामा हो रहा है तो जो इन्हों का कहना कि देख सकते जय श्री राम के नारे भी इतने लग रहे ने कर रहे हैं अठ नंबर साल बाहर जिते मौके से काफी हंगामा हो रहा है जो दसिया जा रहा हिंदू संगठन वालों गौ मात का ट्रक जरा भर के श्रीनगर जा रहा है और इनू जरा कि ट्रैप लगा के पठानकोट चौक च फड़ लिता गया तस्वीर देख सकते हो कि थाने
बाहर जयकारे लग गए ने, जय श्री राम दे जयकारे लग रहे थाने दे बाहर दी तस्वीर। सो देख सकते तस्वीर इस वेले दिया तस्वीर थाना बिल्कुल बाहर। सो जे नवे तस्वीर दादी है कि जलंधर के थाना डिवीजन नंबर 8 सो मौके से थाना डिवीजन नंबर 8 के बाहर पुलिस छोनी बन गई है, काफी पुलिस इतने आ गई है बाहर देखने मिल रही है और पुलिस फोर्स भी देख सकते हो काफी हंगामा हो रहा इतने प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है की जो इन्होंने पूरी कह तक जाना पर कितने ना कितने जरा की काम है नहीं रोक रहा वा कितने कितने साडे लंधर शहर पिछे फैक्ट्री बड़ी गई है कितने कितने जो लोग है देखो जी मेरी सुनो प्रशासन प्रशासन ने कहा कि अभी जी जी जगह वै अभी कार्रवाई कर दी हुई है पानी कभी शहर तो आ रहा जम्मू वाली साइड जा रहे देखो कितने कितने देखो जी माया है कितने कितने जे पुलिस खड़ी भी होंगी है सारे मैं मीडिया के बाद दसना चाहता वैसे जागरूक भी इस चीज तो कितने कितने अगर कोई नाका लगा हों 2000 रुपया देके ते ओ ट्रक इदा ही निकल जांदा है तो इदा कितने कितने निकल जांदा है बाकी कि मैं नहीं कहना सारी पुलिस माड़ी है पर कितने कितने जो करप्ट बंदे है जो सड़क से खड़े किए होंगे वही इधर काम करते हैं बाकी ये भी नहीं कहना कि सारा प्रशासन इधर है। हर हर महादेव हर महादेव पहुंच चुके ने तस्वीर जलंधर के पठानकोट चौक दे विच तो फिलहाल जो ड्राइवर जो दो व्यक्ति है उन्होंने बाहर नहीं निकाला जा रहा क्योंकि हिंदू संगठन काफी रोष है और दो थाने पुलिस से पहुंच गई है थाना नॉर्थ के ACP भी जो कि इतने पहुंच चुके ने बंदा जो ड्राइवर है ओनू अंदरों कटन की जी है बाहरों थाने के अंदर लैके जाने ट्रक दो व्यक्ति है जेड़ा कि गौ मास पानीपत तो लैके श्रीनगर साइड से जम्मू वाली साइड से जा रहे थे और इन्होंने पठानकोट चौक च फड़ लिता गया हिंदू संगठन वालों। आया आया आया।
दो तीन थाने की पूरी जी मौके से पहुंच चुकी है। एसीपी नॉर्थ भी मौके से पहुंच चुके हैं। अपनी जान की बाजी देकर साडे हिंदू योद्धा भरावां ने ट्रक फड़िया वा जी। पिछली वारी साडे भरावां ने भाजी फायरिंग हुई सी भाई साडे भाई भरावां ते इन्हां दे भाजी डांगा भाजी फिरनी चाहिदी आ जी। सिद्धी दी गल्ल आ भाजी बाहर कटने पौना घंटा हो गया सू भाजी इतने खड़े कटते ही नहीं पे भाजी बाहर शाम ने खड़े इन्होंने नाका ला के शाम ने खड़े चलो फड़ लिया जेडे भाजी ने दिया डेली डेली आते भाजी इदा जाते भाई श्रीनगर पुलिस भी वेले पता लगती है ट्रक मारे ला के बाकी ट्रक ना कटने जलंधर तक पहुंच गई है पंजाब सरकार कहती नाके ला रही है रेड हो रहे हैं बिल तो कितना माल निकलना पे कि नाके सारे बोल दिए सरकार जी निकामी है एडा वड्डा देखो कांड हो रहा शहर इस वे दंगे होने शहर देखो ना कि एक बॉर्डर एरिया क्रॉस करके आ रही पानीपत तो आ रही हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब च पहुंच गई है। तीन बॉर्डर आ गए जम्मू पहुंचे जम्मू कितों आ जाना पूरी पैकिंग पूरी तैयारी की प्रशासन टाइम खराब कर रहे पिछे और गड्डिया कटा जिम्मे लगते हैं नौजवान ने पुलिस की मदद की उल्टा कहते बयान लिखाने फिर कार्रवाई करा प्रशासन की मदद काफी रोष नजर आ रहा और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और काफी हिंदू संगठन इतने पहुंच चुके हैं। बीजेपी नेता भी इतने पहुंच चुके ने कांग्रेस विधान बैठते बाहर भैया
सो जो दो व्यक्ति ट्रक च सवार सी जेड़ा कि गौ मास लैके जम्मू वाली साइड ते जा रहे थे पानीपत तो चले सी कोई रोल नहीं है अपना तमाशा दिखा रही है तुम तस्वीर देख सकते हो कि पुलिस न सिर्फ हादसा ही आता है और इस अलावा कुछ नहीं और कोई हिंदू संगठन उन्होंने वालों ही फड़िया गया और पुलिस नु दस्या गया उस तो बाद और तुम दस दिए की जरा बॉर्डर क्रॉस करके शांति का परीक्षा ना जी साड़ी शांति परीक्षा लो देख सकते हो मौके से काफी हंगामा हो रहा है। 8 नंबर थाने के बाहर जिहड़ा कि हिंदू संगठन वालों एक ट्रक फड़िया गया पठानकोट चौक के जिंदे च दस्या जा रहा है कि गौ मास जो श्रीनगर लैके जाया जा रहा सीगा और इन्हां हिंदू संगठन वालों उन्हें फड़ लिता गया और उस तो बाद पुलिस ने सूचना दी गई। पुलिस उस तो बाद थाना डिवीजन 8 च ट्रक को लेके आए ने। सो दो व्यक्ति दसे जा रहे जो ट्रक च है तो मौके से 3 से 4 थाने के जो SH है वह भी मौके से पहुंच चुके हैं और ACP नॉर्थ भी मौके से पहुंच चुके हुए हैं और काफ़ी हिंदू संगठन इतने भी देख सकते हो खड़े हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे। काफ़ी रोष च लग रहे हिंदू संगठन। कैमरे बंद हो चुके भाई कैमरे सारे बंद है भारी बंदे आने का पूरा पुलिस साथ दिता बंदे ने एक ही गल कही सारे पिछे
जो नवे दर्शक जुड़े उन्होंने एक फिर तो दस दिए कि एक पानीपत तो जो ट्रक चलिया थी गऊ मास आगा और श्रीनगर जाना था पठानकोट चौंक च हिंदू खंडा ट्रैप लगा के उन्होंने पठानकोट चौंक च फड़ लिता गया। उस तो बाद पुलिस ने सूचना दी और पुलिस उन्होंने थाना डिवीजन अठ च लैके आई है। जो दसिया जा रहा कि ट्रक च दो व्यक्ति सवार ने अपने बंद यार करो तुम काम अपना पुलिस भी नाल है यार पुलिस भरा भी नाल है कोई गल लावो भाजी कोई गल नहीं लाते कुछ नहीं होना तो एक बार फिर तो दस दिए ट्रक सी जिंदे च जेडे कि दो युवक सिगे और पानीपत तो जरा गऊ मास लैके जो जलंधर पठानकोट चौंक च इन्हों हिंदू संगठन वालों फड़ लिता गया और पुलिस के हवाले कर दिता। अंदर लाओ तुम उधर आया
बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि थोड़ा सा पीछे हो जाओ, कोई भी सो जो हम जो दोषी है उन्होंने ट्रक तो उतारण की जगह की तैयारी की जा रही है। वुमन चैन बल दी गई पुलिस वालों और उन्होंने उतारने की कोशिश की तैयारी की जा रही है, क्योंकि पुलिस ने थोड़ा है कि हिंदू संगठन का काफी रोष है, इस करके जी वुमन चैन बना के उन्होंने पीछे किया जा रहा है। हर बंदे नूं नींद पी रही है तुहाडे करके आए ने भाजी, घंटा ऊपर हो गया भाजी, हाथ कटण दा न्याय चाहिदा अंदर जाके नाना नंगा करके पता जो अंदर है लोग ने कहना बाहर ही बंदे कोई नहीं रोके ठीक है जी अस भी साहब मैं विश्वास दवाना एक मिनट हेलो सो करने सर ने मैं क्या बंदे कंट्रोल च नहीं है मेरे वीर सारे गौ माता सो कोई ना बोलेगा कोई नहीं बोलेगा मैं दो मैं कला कला बंदा मैं लग जाना मेरे प्रभु मैं
देखो मेरे यहाँ जेद है, अपना हिंदू धर्म प्यार करते हैं, गौ माता को प्यार करते हैं, सो लाइव तस्वीर साझा कर इस टाइम थाना रीजन अज तो बहर दिया जिथे कि गौ मास तो भरया ट्रक हिंदू संगठन वालों फड़िया गया और उस तो बाद इन थाना डिवीजन नंबर 8 च लैके आया गया पुलिस वालों हिंदू संगठन का दसया जा रहा कि पानीपत तो असी ट्रैप लगाया सी और उस तो बाद पठानकोट चौक चाके इन फड़िया ट्रक मौजूद है जो जिसका बड़ा ट्रक है जो गौ मास मौजूद है और देख सकते हो कि हिंदू संगठन च काफी जरा रोष है इस टाइम करो करो बाज करते ट्रक फड़िया गया सो ओनू लैके जरा देख सकते हो कि थाना अड़ के बार जेडे लाइव तस्वीर दिखा रहे लगातार जो तस्वीर देख सकते हो जलंधर तो दिखा रहे लगातार थाना 8 दिन तस्वीर ये नंबर 8 के बार जेडे आरोपी थाने के अंदर लैके जाने वास्ते पहला बैरीकेडिंग की जा रही है ताकि कोई अनहोनी घटना ना इत्थे हो जाए अनहोनी घटना ना इत्थे हो सके थाना डिवीजन नंबर 8 के बाद धरना साझिया कर रहे हैं हिंदू संगठन वालों एक ट्रक फड़िया गया जिसे गौ मास सीगा और जो हिंदू संगठन वालों दस्सिया जा रहा है कि पानीपत तो इन्होंने ट्रैप लगा के ये पिछे आ रहे थे और जो तो पठानकोट चौंक ट्रक पहुँचता तो हिंदू संगठन वालों ट्रक को फड़ लिता जाता है और उस तो बाद पुलिस को सूचना दी जाती है पुलिस और ट्रक को थाना डिवीजन 8 च लैके आती है मौके पर हम जो एस पी सिटी 1 एस पी नॉर्थ और 2 तो 3 थाने की जो एस एच है वह भी मौके पर पहुंचे हुए हैं जो थाना डिवीजन 8 है जी इस टाइम पुलिस छोनी तब्दील हो चुकी है और हिंदू संगठन भी देख सकते हो काफ़ी रोष देखा जा रहा मोहित जी मेरी गल जय श्री राम जय श्री राम एक मिनट
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਮੁਜਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਾਣੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਚੰਦ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਤਿੰਨ ਮੁਜਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆ ਪੁਲਿਸ ਭਾਜੀ ਦੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭਰਾਈ ਦੇ ਰੋ ਭਾਜੀ ਕੱਲੇ ਭਾਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਜੀ ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ बंदे ट्रक चो बाहर नहीं कटे जा रहे उजागर करांगे जिदे विच बहुत वड्डा एक रैकेट जिहड़ा हैगा गौ मास दा जिहड़ा हैगा वा बहुत बंदे मिली भगत जिहड़े हैगे चलांदे पे आ केड़ी जगह ते जी बड़े हां जी केड़ी जगह ते कुछ दिनां बाद उजागर करांगे तुहानूं इह उजागर करांगा कि देखो जी जिहड़े गौ मास दा बार बार रैकेट हुंदा पिया वा इह किन्नां दे कहन दे उपर किन्नां दी सैटिंग दे उपर चलदा पिया वा उह सारा कुछ साडे कोल आ गया वा तुहानूं कुछ दिनां दे विच ही सारा कुछ उजागर करांगे तुहानूं पर देखो आ बहुत ज्यादा मंदभागा चीजां वा इन्ने परचे कराण दे बावजूद इन्ना वड्डा रैकेट फड़न दे बावजूद अज फिर जोशी जी ओदा की होया तो नवा अपना उत्थे दी अपना फैक्ट्री फड़ी जड़ी ढोकड़ी जड़ी ढोकड़ी फैक्ट्री फड़ी गई सी ऑलरेडी जड़ी एसडीएम साहब नु भी और बाकी सारेयां नु भी जड़ा हैगा वा जदों मेमोरेंडम दित्ता सी उन्होंने ऑलरेडी सीन दे जड़े कागज कोर्ट दे विच पहुंच चुके होए आ मेरे ख्याल नाल होर मेरे ख्याल नाल 15 जां 20 दिन बाद जड़े कोर्ट दे ऑर्डर हो जाने ओ फैक्ट्री सील करन दे जी जोशी जी ओदा पर जड़े मेन मुजरिम सीगे जड़े उन्हां ते कोई कारवाई होई नहीं जां पड़े नहीं गए ओ अरेस्ट हो गए सी सारे जी मुजरिम मैं तुहानू ओही गल दसना चाहना वा कि देखो देखो कदी ट्रक फड़े जाता कदी फैक्ट्री फड़ी जाती है और बार बार इको जगह से आप जो जो परचे कराने फिर भी वो बंदे इन्ने धड़क क्यों है क्योंकि सैटिंग जी है बार बार जो हिंदू संगठन नेता है उन्होंने कहना की जो नेता होना चाहिए योगी और सीएम होना चाहिए काम इतने ना गैर कानूनी काम ना हो सकन ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ
जो नवे दर्शक जुड़े उन्होंने एक बार फिर तो दस दिए कि पानीपत तो जो ट्रक चलता गऊ मास लैके और जरा कि जे एंड के जाना सीगा और ट्रैप लगा के हिंदू संगठन वालों उन्हें पठानकोट चौक च फड़ लिता जाता और पुलिस के हवाले कर दिता जाता। इस टाइम ट्रक जरा कि 8 नंबर थाने के बाहर खड़ा पहुंच चुके ने हिंदू संगठन च काफी रोष है और बैरीगेट लगा दिए गए हैं ताकि जो कोई अनहोनी घटना ना हो सके। इतने शर्मा जी ने गलती शर्मा जी ने एक बंदा पांच जाने ठीक है सर देख सकते मौके से काफी जरा कि हंगामा हो रहा काफी रोष है हिंदू संगठन और जेड़े दोषी है उस समय जो ट्रक ची है तो पुलिस वालों बैरीगेट भी लगा दिए गए हैं ता जो कोई अनहोनी घटना ना हो सके। थे डरी हुई भाई साहब।
तस्वीरां तुहाडा साझियां कर रहे हैं थाना डिवीजन नंबर 8 दे बाहर दियां। ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। मुजरमान अंदर ले जाने वास्ते पुलिस वालों किस तरह की तैयारी है तुसी वेख सकते हो। यानी कि आज चंद कदम ने और पुलिस किन्नी दहशत है फिर इस तो बाद काम रोक दिया गया। यानी कि हुण मौका बनने तो बाद आला अधिकारी फिर उन्होंने रोक दिता काम तो आप देख सकते हो कि पुलिस ने दोनों पासे अपने आप को कवर करवा दिता उन नौजवानों वास्ते जिहड़े नौजवान रौला पा रहे जां जिन्होंने फड़िया वो बैरीगेड तो परदे पासे है इन्ने अंदर ले जाण वास्ते किन्ना पुलिस नूं डर है। सो और दस दिए कि पुलिस ने जो बैरीगेड की और जो रस्ते भी लगा दिए गए थे ताकि जो माहौल खराब ना हो सके कोई अनहोनी घटना ना वापर सके क्योंकि जेडे कि दोषी ट्रक के अंदर ही और हिंदू इस घटना च काफी रोष है। बैरीगेड देख सकते हो सब पुलिस देख सकते हो पुलिस ने रस्ता बनाया हुआ है दूसरे पास पुलिस ने झंडे पड़े हुए हैं फिर भी उन्होंने दहशत तीन नौजवानों चंद कदम अंदर साढ़े अंदर लेके जाना है कि किस तरह की बैरीगेड छोनी तब्दील कर दिता है छोनी जानी कि बना दिता है छोनी के अंदर तब्दील कर दिता है। यह तस्वीर देख सकते हो कि पुलिस को कितना डर है। हजे इत्थे अंदर ले जाण तक पुलिस नूं जाने कि आला अधिकारियों के आदेशों का इंतजार है आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं पर हजे भी उन्हां नूं रोकिया जा रहा है अंदर ले जाण तों।
कई बार जड़े हिंदू संगठन है उन्होंने वालों इन्हों आख्या गया कि तुहाड़ी गरंटी है इन्हों कुछ नहीं कहा जाएगा, पर फिर भी पुलिस विच जिहड़ी डर है वह साफ दिखता नजर आ रहा है। पंडित बुलाइए मूरत कढ़ाने वास्ते ट्रैक तो उतारन वास्ते ये नौजवानों वालों आख्या जा रहा है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਪਨ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਊ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ J&K 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਆਰੋਪੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਸਟਡੀ ਚ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਆਰੋਪੀ ਕਸਟਡੀ ਚ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋ? ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਸਮੇਤ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੰਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੰਮ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੌਂਟ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਰੋਪੀ ਫੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪਏ? ਜੋ ਬੰਦੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬੰਦੀ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਸਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਬੇਬਸ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੀਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੁਛ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਤਾਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ?
बंदे भी फड़े गए अरेस्ट भी किए गए परचा भी दर्ज पाया उस तो बाद फिर जलंधर च एहो जिहे काम होंदे पए ने इंस्पेक्टर बारे मैनू नहीं पता ठीक है जी ठीक है छोटी जी बेनती करनी है करो जी करो करो खराब हो चुका फिर बाद बदल भी जाते हैं क्योंकि अपनी लैबोरेटरी जलंधर भी है डॉक्टर कर रहे हैं रोहित जी तुम कोई अपने डॉक्टर सिचुएशन देनी चाहो मैं दसा सर जी देखो पहले सानू पता नहीं ढोगड़ी वाला जो मामला आप फड़िया सी सर उदो सानू पता नहीं सी कि बाहर लैबोरेटरी जिहड़ियां बाहर हैगियां अपने जलंधर दे विच लोकल लैबोरेटरीज हैगियां वा जिहदा कि इमीडिएटली जिहड़ा हैगा वा रिजल्ट जिहड़ा आ जांदा वा आपां सिर्फ इह चीज प्रशासन नूं कहना चाहुंदे आ कि हुण वी जिहड़ा हैगा नहीं तुसीं कोई अपनी टीम बनाना चाहुंदे जिहड़ी पूरा तालमेल दे विच हो जावे टीम सर देखो ऑलरेडी जिन्हां ने देखो जिहड़े साडे भरावां ने हिंदू भरावां ने देखो मैं दस्सां जिहड़े वी हिंदू भरावां ने इह सारा अंजाम दित्ता वा उह साडी टीम ही है नहीं नहीं मेरा कहण दा मतलब है जिहड़ी तुसीं पुलिस नूं कह रहे हो चैकिंग वास्ते जिहड़े डॉक्टर नूं कंटैक्ट कीता है उहदी कोई जलंधर तक पहुंच गया ट्रक जो दसिया जा रहा है हिंदू संगठन वालों और पानीपत तो जलंधर तक ट्रक पहुंच गया रस्ते किसी चैकिंग नहीं हुई होंगी नाका लगा प्रैक्टिकली बड़ी जल्दी अपन जगे चंद दिन दस तो बारह दिन जी पुरानी चीजा इन्वेस्टिगेशन जल्दी पूरी होने वाली है जिद मैं तुम दसा गया कि जरा क्वेश्चन किया इन्वेस्टिगेशन जो श्रीनगर जाना हिंदू संगठन फड़ लिता गया सो इस खबर लैके होर अपडेट आती द्वारा फिर उभर होवांगे तद तक इजाजत धन्यवाद।